राजगढ़ में सीएए के समर्थन में बीजेपी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट के हाथों में कठपुतली बनकर अपनी विचारधारा के ही विपरीत हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जेएनयू की विचारधारा के साथ जाएं कि जनेऊ वाली विचारधारा के साथ रहें। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने कहा कि जिन्हें सीएबी और सीसीए में अंतर नहीं मालूम वो भी विरोध में उतरे हुए हैं। उन्होंने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर घर घर में पहुंचकर बात पहुंचाने की बात कही है। भारत में रहने वाले मुसलमानों को इस कानून से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उनकी नागरिकता है और रहेगी, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, वो यहाँ के नागरिक रहेंगे। उनको डराया जा रहा है कि तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा, धारा 370 के मुद्दे को लेकर जब संसद में कानून पास हो गया तो कांग्रेस की क्या स्थिति थी? कांग्रेस विभाजित हो गई।